नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस परिचर्चा में। और आज हम बात करेंगे हमारे उस वोक हिस्टोरियन की, इतिहासकार की, जिसने अभी इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में व्याख्यान देकर एक बार फिर से पूरे भारत को याद दिला दिया है कि इतिहास कैसे लिखा गया था। और उसका नाम है रोबिला थापर, और उसके बारे में पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे आज हम आभास मलदयार साहब के साथ में। स्वागत है आपका आभास जी। नमस्कार संजय जी, और नमस्कार सभी दर्शकों को। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। तो एक बार हमने बहुत दिनों बाद पुनः रोमिला थापर जी को सुना। वैसे जब मैं उनको बुलाता हूँ जयपुर डायलॉग्स इत्यादि में, तब तो वो आती नहीं है, लेकिन उनका जहाँ स्वयं का क्लब होता है उसमें तो वो बहुत एक्टिव रहती ही है। और आपने उनकी पूरा व्याख्यान सुना होगा, और एक बात जो विशेष रूप से जो उन्होंने कही कि युधिष्ठिर जो थे उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात जो है वो अशोक से सीखी, तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी उन्होंने, और इंटरेस्टिंग मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो भी चीज आपको इंटरेस्ट देता है वो इंटरेस्टिंग होती है। तो कई बार कॉमेडी भी इंटरेस्टिंग होती ही है, तो इट्स मोर लाइक अ कॉमेडी टू मी। इट्स एकेडमिया का बिल्कुल कॉमेडी है वो, जो वो स्टेटमेंट है पर्टिकुलरली, क्योंकि उनके जो गुरु हैं अल्बर्शम, जिनके बारे जिनको हम सबको इनफैक्ट उनकी बड़ी फेमस किताब भी है, द वंडर व्हाट इंडिया वाज बिफोर द अराइवल ऑफ इंडिया, दैट वंडर दैट वाज इंडिया। हां, वो यूपीएससी के लिए कंपलसरी रीडिंग है वो। यस, सो लेकिन मेरे लिए काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि जो उनकी जो नैरेटिव है वो बिल्कुल रोमिला थापर से मैच नहीं करती है, क्योंकि जिस समय वो किताब लिख रहे थे उस समय की जो स्कॉलरली स्टैंडर्ड्स थी उस समय से भी वो महाभारत वॉर को अहिस्टोरिक नहीं बताते हैं, और वो बताते हैं वो हिस्टोरिक वॉर थी और इट हैपेंड समवेयर अराउंड 900 बीसी के आसपास, उनका ये कहना है। सो अगर 900 बीसी में उनके टीचर बता रहे हैं कि 900 बीसी में ये घटना घटी, तो ऑफकोर्स युधिष्ठिर तो उस वक्त ही उड़ रहे होंगे 900 बीसी के आसपास। अब ये रोमिला थापर जी अशोक को ले आती हैं और बताती हैं कि अशोक से इन्फ्लुएंस होकर के सत्य और अहिंसा के मार्ग पे युधिष्ठिर ने चलना शुरू किया। यानी भगवान कृष्ण भी जो है वो अशोक के बाद में हुए, ये कहने का मतलब है इनका। बिल्कुल, और मैं तो अभी एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग्स में नहीं जाना चाहूंगा, अगर हम एस्ट्रोनॉमिकल डेटिंग्स को भूल जाए कुछ समय के लिए फॉर द टाइम बींग, हालांकि इसमें बहुत सारे वर्क हो रहे हैं, चाहे वो एमएम पंडित जी का वर्क हो या नीलेश होक जी का वर्क हो, दे आर मल्टीपल वर्क्स जो साथ में चल रहे हैं, काफी कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, डिबेट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। उन्होंने तो महाभारत वॉर को काफी पीछे की ओर ढकेल दिया है और वो उसको यथार्थ प्रूफ वो एविडेंस दे रहे हैं, उसके काफी स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस। जी हाँ, इनफैक्ट इस समय जो डिबेट है वो ये नहीं है कि वो 900 बीसी थी या 1500 बीसी थी, डिबेट ये है कि वो 3300 बीसी थी या 5500 बीसी थी। बिल्कुल, और डिबेट अब वहां तक पहुंच चुका है, लेकिन मैं इसलिए इस बात को लेकर के आ रहा था कि उस समय का भी जो कॉन्सेंसस था, जब आज से 60 साल पहले जब लोग इतिहास का के बारे में चर्चा कर रहे थे और इस तरह के पॉइंट ऑफ व्यूज आ रहे थे जब अल्बर्शम ने किताब लिखी, या फिर इनफैक्ट बीबी लाल ने भी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस को कंसिडर करके 1000 बीसी के आसपास रखा था, तो किसी भी स्टैंडर्ड से, इनफैक्ट मोस्ट कंजर्वेटिव ऑफ द स्टैंडर्ड से भी महाभारत 1000 बीसी से पीछे तो नहीं है। तो आप जिस समय से आ रहे हो, चलो आपको अगर बेनिफिट ऑफ डाउट इस चीज का दिया जाए कि जैसे वो हमारे इंजीनियरिंग में भी किताबें कई बार बदलती नहीं है, वो आज भी स्ट्रक्चर में जो पहले के जो किताब थे आज भी सिविल इंजीनियरिंग में वही कंटिन्यू हो रही है फर्दर, उसी तरह से चलो आपको भी बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया जाए कि आपकी एकेडमिया ग्रो नहीं हो रही है, बट उसमें भी एक कॉन्शियसनेस था कि महाभारत का जो वार था वो 1000 बीसी के आसपास हुआ था। तो इस हिसाब से भी रोमिला थापर को इस तरह के हास्यास्पद स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए कि अशोक से इन्फ्लुएंस होकर के युधिष्ठिर ने सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाया था। सो दिस इज गोइंग कंप्लीटली अगेंस्ट द नैरेटिव ऑफ द पीरियड, इट्स वेग completely even against the Marxist historians. Yes, आप बिल्कुल मार्क्सिस्ट, यू आर गोइंग अगेंस्ट योर टीचर जिसने आपको सिखाया, और ऐसा नहीं है कि, और इनफैक्ट उनकी किताब में बहुत सारी ऐसी बातें भी कभी जिक्र किया है कि अल्बर्शम ने यह भी बताया है कि भारत इतना ग्लोरियस था, भारत की एक सिविलाइजेशन बहुत यूनिक है, और वो हमेशा ये सवाल उठाते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इजिप्ट मिट गया, ग्रीस मिट गया, सब कोई मिट गया, लेकिन
भारत में जो ट्रेडिशन था, जो ट्रेडिशन की बात करते हैं, स्पेसिफिकली टॉक्स अबाउट ट्रेडिशन, वो कंटिन्यू चला आ रहा है, वो एक कंटिन्यूस सिविलाइजेशन है. सो कोई मेल मिलाप ही नहीं है. आप उस समय के नैरेटिव को आप भूल जाइए, वो जिनसे उन्होंने सीखा है उनको भी आई डोंट नो वेयर टू प्लेस इट. दिस ये स्टेटमेंट काफी आउट ऑफ प्लेस था. जी हाँ, वो तो ऐसा लगता है कि ये जो है, मैंने सुना है इसको, ये आपके जो हार्वर्ड के जो संस्कृत स्कॉलर है जी, क्या नाम है इनका, तो वो उन्होंने ये फर्जीवाड़ा स्टार्ट किया था. अच्छा, तो पोलक की बात कर रहे हैं? हाँ, शेल्डन पोलक की बात कर रहा हूँ मैं. तो शेल्डन पोलक का ये स्टार्ट किया हुआ फर्जीवाड़ा है, क्योंकि वो पूरी तरह से संस्कृत को सेकुलराइज करना चाहते हैं. तो वो सेकुलराइज करने के लिए सब चीज़ें आवश्यक हो जाती हैं. तो अब उन्होंने ये नया सीखा है अपनी ओल्ड एज में, और वैसे भी वो सेल्फ कन्फेस्ड कहती है उनको संस्कृत तो आती नहीं है. तो संस्कृत स्कॉलर से वैसे भी गुलामी की मान सकता है, तो संस्कृत स्कॉलर ने किसी ने कह दिया, तो उन्होंने उनके एजेंडा को सूट करती, तो उन्होंने ले लिया कि भाई युधिष्ठिर जो थे वो अशोक से प्रेरित थे. और इनफैक्ट बिकॉज वी आर टॉकिंग, जब वो खुद एक्नॉलेज करती है उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है, बट उन्होंने अपने लेक्चर में खुद कहा है कि एक जो हिस्टोरियन है उसको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, उसको वेरियस भाषाएं समझ में आनी चाहिए, उसको आर्कियोलॉजी का सेंस होना चाहिए, उसको बहुत कुछ समझ में आना चाहिए. और अपने ही इंटरव्यू एपिग्राफी बिल्कुल आनी चाहिए. और बहुत पहले का इंटरव्यू है, बहुत पहले की आई थिंक 6 या 7 साल पहले का इंटरव्यू हुआ होगा जो डॉक्टर एल्स ने दिया था इंडिया फैक्ट्स को, और वहाँ पे इसी विषय पे चर्चा हो रही थी. रोमिला थापर वाज अगेन अ टॉपिक ऑफ डिस्कशन. वहाँ पे डॉक्टर एल्स ने बताया था कि शी वो हालांकि बात करती हैं ये सब सबको जानना चाहिए, बट उन्होंने खुद कन्फेस किया है कि उनको आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ में आते, बिकॉज शी इज नॉट अ स्टूडेंट ऑफ साइंस. अब फिर डॉक्टर एल्स ने वहाँ पे फिर से उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दिया था उस वक्त, और कहा था कि ठीक है, हिस्टोरियंस आर डेफिनेटली नॉट ट्रेंड इन साइंस, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते जाओगे. जो जिस तरह से साइंस आगे बढ़ते जा रहा है, आपको एज अ फेस वैल्यू, आप जैसे हमेशा प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की बात करते हो कि यू नो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस ही यहाँ पे रहेंगे और कोई नहीं रहेगा, उसी तरह कोई प्रोफेशनल साइंटिस्ट भी तो है, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट भी तो है. आप उसको भी सुपरसीड करके आप उसके बात समझ नहीं रहे हो, आप बोल रहे हो कि आई डोंट अंडरस्टैंड साइंस, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट, लेकिन आप आज भी आर्यन इन्वेजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, उसको माइग्रेशन बना दिया, और स्टिल यू आर not able to come on terms with it. So this is very problematic case for a objective historical study. राखी गढ़ी और भेरना को तो वो उसकी तो कभी बात ही नहीं करती है आजकल. नहीं, बिल्कुल नहीं. She never talks about it. उनके हिसाब से तो बीबी लाल ने जो द्वारका का एक्सकवेशन किया वो तो संभवतः कभी हुआ ही नहीं. और उन्होंने एंड दिस बिकम्स मोर हिलेरियस क्योंकि वो ये बोलते हैं कि मुझे आर्कियोलॉजी समझ में नहीं आती है. शी एक्सेप्ट्स इट. ऐसा नहीं है कि वो मान नहीं रही है, शी एक्सेप्ट्स दैट आई डोंट नो आर्कियोलॉजी, आई डोंट नो द साइंस बिहाइंड इट, आई डोंट नो जेनेटिक्स. ऑफ कोर्स शी इज नॉट सपोज्ड टू नो जेनेटिक्स बिकॉज शी इज अ ट्रेंड हिस्टोरियन, राइट? सो हिस्टोरियन को हिस्टोरियोग्राफी तो सिखाई जाती है ना, और हिस्टोरियोग्राफी में आर्कियोलॉजी और एपिग्राफी ये तो उसके एसेंशियल पार्ट है. एपिग्राफी इज वेरी न्यूमिज्मैटिक्स, न्यूमिज्मैटिक्स, एपिग्राफी और आर्कियोलॉजी और आर्किटेक्चर इस और आर्ट्स, इसके बिना तो आप हिस्टोरियोग्राफी कर ही नहीं सकते. कैसे कर लिया आपने ये हिस्टोरियोग्राफी? और इसलिए तो इस तरह के फ्लॉज आ रहे हैं. फ्लॉज आ रहे हैं या डेलिब्रेट है, बिकॉज इनका एक जैसे एक पॉइंट ऑफ व्यू डॉक्टर एल्स हमेशा बताते हैं कि जो कम्युनिस्ट का एक प्रॉब्लम होता है, कम्युनिस्ट या फिर जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियोग्राफी है, बिकॉज इट इज बेस्ड मोर बेस्ड ऑन स्कूल ऑफ थॉट्स, और वो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो कंटिन्यू होते रहना चाहिए, चाहे आपका साइंस कितना भी आगे बढ़ रहा हो, चाहे डेवलप इन्वेंशन और डिस्कवरीज कितनी भी आगे बढ़ जाए आपका. और अगर एक किसी ने एक फैक्ट रख, एक स्टेटस क्यो बना दिया है कि ये ऐसा ही होगा तो वैसे ही होगा, वो बदल नहीं सकता, इट कंटिन्यूज ऑन एंड ऑन. और वो इस वजह से बहुत सारे रिवोल्यूशनरी वर्क्स को सामने लेकर के नहीं आएंगे. जैसे दे विल नेवर टॉक अबाउट श्रीकांत तलेगिरी वर्क्स, उसके बारे में कभी बात नहीं होगी, बिकॉज दैट वाज लाइक अ
नेल इन द कॉफिन ऑफ दिस होल आर्यन इन्वेजन थ्योरी, और जिस तरह से और वो कंप्लीटली आउट ऑफ इंडिया थ्योरी को बहुत अच्छे से रेनफोर्स कर दिया था, बट दे विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट, उसके बारे में डिस्कशन होगा भी नहीं। और यही पॉइंट तो टॉनी जोसेफ का डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल, दे विल टॉक अबाउट टॉनी जोसेफ। अच्छा, टॉनी जोसेफ जो है वो प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं है, लेकिन उसका डिस्कशन करेंगे। और संदीप बालकृष्णा या श्रीकांत तालागिरी या आभास मलदियार या इवन जैसे हमने भी एक छोटी सी पुस्तक कश्मीर उसके बारे में लिखी, उसका कभी डिस्कशन नहीं करेंगे, कभी नहीं, नेवर। बिल्कुल, हम लोग प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन टॉनी जोसेफ प्रोफेशनल है। टॉनी जोसेफ प्रोफेशनल है। आप उन समय का टाइम याद करो जब विक्रम संपत को लोग कैस्टिगेट कर रहे थे, तो विक्रम संपत को बोलते हैं इज नॉट ट्रेंड हिस्टोरियन बट ही हैज गॉट अ पीएचडी इन हिस्ट्री। और अलग बात है कि उनकी हिस्ट्री पीएचडी इज इन हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक, उसके बारे में। तो भैया जब पीएचडी करोगे तो आप कोई तो एक सब्जेक्ट लोगे, चाहे वो हिस्ट्री ऑफ समथिंग, हिस्ट्री में तो पीएचडी डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, उनको भी बना दिया, हम तो चलो बाहर के लोग हैं। That person is a trained historian. उसको क्योंकि आपका so they have to maintain the status quo. They will not talk about the thing which nullifies the narrative very systematically. वो छोटे मोटे इधर उधर के ब्लॉग्स लेकर के आएंगे, फिर बातें करेंगे नहीं आप तो ऐसे कर रहे हो और आपकी जो हिंदू सेंटरिंग हिस्टोग्राफी है इसमें कोई स्कॉलरशिप है ही नहीं। बट ट्रूथ इज फार फ्रॉम दैट, वो पीरियड नहीं रहा, एटलीस्ट जब बहुत कम लोग थे, जैसे सीताराम गोयल थे, राम स्वरूप जी थे, गिने चुने लोग थे, बट देयर वाज नॉट सो मच, क्योंकि एकेडेमिया में एग्जिस्ट करने के लिए अगर आप कहते हो कि आप कहीं ना कहीं हिंदू थॉट प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो किसी भी आइडिया से, तो आप एलियन हो जाते थे, यू आर कंप्लीटली एलियन, और आपको एलिनेट कर दिया था, आपके प्रोफेशन आपकी करियर आगे बढ़ती ही नहीं। उसके बारे में मीनाक्षी जैन ने भी हमको बहुत अच्छे से बताया अंदर में एकेडेमिया में क्या चलता है, इट वॉज सो टफ फॉर हर एट मेनी प्लेसेस। सो Yeah. अब जैसे उन्होंने कुतुब मीनार के बारे में बात की, ये जो लेक्चर उन्होंने आईआईसी में दिया, तो आप चूंकि इस पीरियड के अच्छी तरह से शोध कर रहे हैं, तो जरा थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें। So I was surprised जब मैं उनकी बातों को सुना and how किस तरह से ये लोग नैरेटिव को बिल्ड करते हैं, that because there is an inscription। अब इंस्क्रिप्शन को सपोर्ट करने के लिए वो क्या लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि कमीशन किया किसी इस्लामिक रूलर ने, बनवाया था एक इस्लामिक रूलर ने ही, और बिकॉज आर्टिजन वगैरह हिंदू थे तो इसलिए इंस्क्रिप्शन में विश्वकर्मा की जगह जिक्र होता है और इस तरह का। सो दिस वाज लाइक वो समझ में, और अगेन आई गो बैक टू सीताराम गोयल का रेफरेंस, जब सीताराम गोयल ने जब चिट्ठी लिखी थी रोमिला थापर जी को, तो वहां पे बताया था कि देखो भाई जब मैं बात कर रहा हूँ कि जब मंदिर टूटे तो वहां पे आई एम गिविंग थियोलॉजिकल रीजन एज वेल, जैसे थियोलॉजिकली कंप्लीटली सपोर्ट्स द डिस्ट्रक्शन कि क्यों एक जो मुसलमान रूलर है वो क्यों मंदिर गिराएगा, उसको थियोलॉजिकल सपोर्ट है पूरी तरह से सब्सटेंशिएटेड। उसके बाद जब कुतुब मीनार का जब किस्सा आता है तो सबसे पहले तो आयरनी ये है, सबसे सामने में वो इंस्क्रिप्शन है, ओके 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ करके के अवशेष से ये बनाया गया है। अब वो टेक्स्ट जो प्राइमरी सोर्स है वो डायरेक्टली बता रहे हैं कि हाँ भाई हम जो खड़े हैं, जो इंस्क्रिप्शन हम जो स्ट्रक्चर है, हम उन टूटे हुए पीसेस से बनकर के खड़े हो रखे हैं, लेकिन उसको भी वो अपोज करेंगे। अब जो उसका आर्किटेक्चर है उसमें जो मेहरौली का जो टावर वहां पे जो इंस्क्रिप्शन है वहां पे टावर के भी रूल्स को हम देखना शुरू करेंगे, द वे इट इज लेट इट रिप्रेजेंट्स कंप्लीटली जो उसके फिलेट्स हैं जो प्लान में they represent the hours, वो it looks more like a watchtower जो कि काफी हिंदू सेंट्रिक आइडिया से बना हुआ था, समय को ऑब्जर्व करने के लिए कैसे करना था क्या नहीं करना था। अब उसके बाद वहां पे गणेश की मूर्ति पाई गई है। अब वहां पे इतने ज्यादा हिंदू मोटिव्स, आपको रोकूंगा, आपने जो बोला कि जब ऊपर से देखते हैं तो जो उसका प्लान दिखाई पड़ता है वहां पर, जो प्लान व्यू है उसका, तो वो प्लान व्यू तो पूरी तरह से एक हिंदू, जिसको हम कह सकते हैं कि हिंदू यंत्र के अनुसार है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो 24 घंटे के लिए बनाया गया था और कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि 24 था वहां पे। एंड वन नीड टू रिलेट इट बैक टू वेदांग ज्योतिष, जहां से सब कुछ शुरू होता है, जहां से स्काई को ऑब्जर्व करके और उसके बाद कैसे समय को ऑब्जर्व करना, कैसे पूरा साइक्लिक टाइम का कॉन्सेप्ट आया और कैसे समय का डिविजन्स किया, इस तरह के बहुत सारे रिजेम्बलेंसेस हैं जो वी फाइंड इन मेनी अदर केसेस एज वेल। इट वाज नॉट जस्ट द कुतुब मीनार और अदर विष्णु स्तंभ, सिर्फ वो स्ट्रक्चर नहीं है, इट इज एट मेनी अदर प्लेसेस टू।
जी, तो वो और ये भी नहीं बताते हैं कि यदि ये इस्लामिक रूलर्स ने जो असभ्य थे उनकी इस प्रकार की कोई भी इमारत आपको नहीं मिलेगी पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में इस तरह की कोई, तो यहाँ उन्होंने ये विशेष रूप से इस प्रकार का स्ट्रक्चर कैसे बना दिया? नहीं, इट वाज क्योंकि उनको तो टाइम का सेंस भी उस वक्त तक पूरी तरह से नहीं था. एंड और अगर इसको पूरी तरह से डिकोड किया जाए, समझा जाए, तो देर हैव बीन इट, जैसे बोलते हैं ना कि देर वाज बहुत पहले वो गरबा वाला मैटर शुरू हुआ था, कि गरबा इटसेल्फ वाज आइडिया जहां पे आप समय काल चक्र को ऑब्जर्व करके उसके आजू बाजू में नृत्य करते हो गरबा के. तो यहाँ पे भी जो ये स्तंभ है वो इटसेल्फ इज अ कुफ्र, बिकॉज इफ यू आस्क मी इट इज नॉट गोइंग एट ऑल इन सिंक विद द वेरी इस्लामिक ट्रेडिशन ऑफ लुकिंग एट अ टाइम. तो अगर अब कल को चलो मान लिया जाए, कल को वो शायद ये भी थीसिस लेकर के आ सकते कि मान लिया कि ये टाइम को मेजर करने के लिए का एक यंत्र था, तो ये तो मुसलमान भी कर सकते हैं. लेकिन जिस तरह से आर्किटेक्चर सेट किया गया है, इट डजेंट गो इन सिंक विथ हाउ द मुस्लिम थियोलॉजी लुक्स एट द टाइम. इट डजेंट गो इन सिंक विथ दैट. अब इतने सारे वहां पे जो गणेश की मूर्ति मिलना, या फिर उसके अलावा भी हमको बहुत सारे हिंदू मोटिव मिले हैं, तो जो उनका आर्किटेक्चर होता था वो बिल्कुल ऐसा होता ही नहीं था. अगर आप जा करके देखने की कोशिश करें टर्किक रीजन में, सेंट्रल एशिया में, कि किस तरह का आर्किटेक्चर था, देर इज नो रिजेंबलेंस एट ऑल, वी फाइंड नो कनेक्शन. और इनफैक्ट जो इतना बोस्ट करते हैं ये लोग कि ताजमहल को बना दिया ये कुछ, उसमें भी तो इट्स डिबेटेबल, सो आई डोंट मेक कमेंट्स अराउंड इट, क्योंकि अभी तक मैं उसके रिसर्च में डीपली गया नहीं हूँ. बट द ट्रूथ इज दैट वहाँ का जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर था उस पीरियड का, जो तैमूर का टॉम्ब है, वो भी ताजमहल से छोटा है, बहुत छोटा है. तो आप वहां पे कुछ भी नहीं बना सके. आप इनकी पूरी जिंदगी, एंड दैट्स अ रियलिटी, इट्स नॉट अ सटायर, जब मुगल्स थे या तिमुरिड्स थे, उनकी पूरी जिंदगी टेंट में बीती थी. इनफैक्ट फ्रॉम राइट फ्रॉम बाबर वो यहां से वहां भटकता रहता था, बिकॉज ही डिडंट हैड अ प्लेस टू लिव इन. और इसी वजह से जब वो काबुल भी आया था अपने मामा के घर पे, सो ही वाज सो हैप्पी दैट ही इज एबल टू लिव इन अ पैलेस, दैट्स व्हाट ही राइट्स. सो उन्होंने आज तक जो देखा नहीं, वो कैसे अचानक से आकर कमीशन करके स्ट्रक्चर्स इतने सारे बनवाने लगे. और जहां तक बात रही जिस एरा की हम बात कर रहे हैं, उस वक्त कुतुब मीनार के एरा की, उस वक्त भी उनके लिए काफी चकाचौंध का माहौल रहता था जब वो सिल्वर ज्वेलरीज वगैरह देखते थे. जैसे आज ही मैंने एक ट्वीट किया कि खलजी जब ने जब लूट वगैरह लूटपाट मचाया था, तो एक बार उसने पूरा एग्जीबिशन लगाया सारे हीरे जवाहरात वगैरह जितने उसने लूटे थे. तो उसको देखने के लिए अमीर खुसरो कहता है कि बिल्कुल ईद जैसा माहौल था इतनी. और स्पेशली अरेबिया और पर्शिया से रॉयल्स को बुलाया गया था देखने के लिए कि देखो हमने कितना धन का अर्जन किया है, इतने सारी चीजों को इकट्ठा किया. पूरे चकाचौंध हो गए थे वो. कहीं भी कोई ना थियोलॉजिकल सब्सटेंस है, ना ही आर्कियोलॉजिकल आर्किटेक्चरल ब्रिलियंस थी उनके पास, क्योंकि उनके पास पहले कोई वैसे स्ट्रक्चर्स थे नहीं, ना ही. और उनके जो जो बोलते हैं ना आंखें चकाचौंध हो जाती है, वो यहाँ के ट्रेजर्स को देख करके आंखें चकाचौंध हो जाते हैं. वो जो ऐसे लोग वो बोलते ना कि कहीं पे आप चले जाओ तो, चाहे वो दुर्योधन के साथ जो केस हो गया था, जो वेनी फॉल्स टाउन एंड ऑल, उस तरह से वो कैसे ये मैग्निफिसेंट आर्किटेक्चर कर सकते थे, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट. आर्किटेक्चर करने के लिए आपको एक्सपोजर चाहिए. अभी के हमारे प्रोफेशन में भी अगर मुझे आर्किटेक्चर में ग्रो करना है, मुझे एक अच्छा एक्सपोजर चाहिए, मुझे सिस्टम्स को समझना है, तभी मैं आगे कुछ कर सकता हूँ, नहीं तो मैं कुछ नहीं बना सकता हूँ. सो इट्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ सपोर्ट फॉर दिस क्लेम. राइट, और उसके बाद फिर वो जो है वो बातें और भी करती हैं, ख़ास तौर से उसकी हिसाब की, जो राजपूतों और मुगलों का जो एक प्रकार से जो दैतांत हुआ उसको भी वो ग्लोरीफाई करती हैं, कि साहब की जो उनके जो संबंध हुए, जो विवाह वाले जो संबंध हुए वो बड़े नेचुरल, उन्होंने कहा कि साहब की तो बड़े ऑर्गेनिक टाइप के थे. पर ये मुझे बहुत पेनफुल लगा इन अ वे संजय जी, बिकॉज इट व्हाट इट डिड, इट जस्ट इसने पूरे एक झटके में जो जौहर जैसा, जो पता नहीं सो क्या नाम दिया जाए, सोच करके तो आंखों में आंसू भी आ जाते हैं. इट इट्स वेरी पेनफुल व्हाट हैपेंड. लेकिन एक झटके में पूरे जौहर को इन्होंने नलीफाई कर दिया, कि आखिर वो जौहर की जो घटना घटी, जो मेवार मेवाड़ के 1303 में हुआ, 1534 में हुआ, 1567 68, मतलब इट वॉज अ कंटिन्यूअल प्रोसेस.
जौहर इसलिए नहीं हो रहा था कि विलफुली दे वर रेडी टू गेट इनटू द मैरिज अलायंस, और एक पूरा ट्रेडिशन था कि जो राजपूत थे वो सैफरन रॉक पहन करके, वो पगड़ी और पहन के जाते थे कि हम तो जाएंगे लड़के हैं, टिल द लास्ट ब्रेथ वी विल फाइट। और यहाँ पे जौहर का अरेंजमेंट होता था कि अगर कहीं विक्ट्री नहीं होती है तो वी ऑल विल जस्ट, जैसे वहां पे वो अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, हम यहाँ पे अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। और सिसोदिया क्लैन ने तो पूरा एक तय कर लिया था कि हम अपनी बेटी नहीं देंगे, वो बिल्कुल क्लियर थे, और इसी वजह से यहाँ पे इतने सारे जौहर की घटना घटी थी। तो अगेन दिस इज वेरी, अगर एक कुछ अलायंसेस हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इट वॉज अ कॉमन नैरेटिव। और कहीं ना कहीं मुझे जेम्स टोट के वर्क्स भी इसके लिए कुछ हद तक रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, कहाँ से नैरेटिव परपेट्रेट हो रही है। तो उनका जो एंगल था वो पूरी तरह से यूरोपियन फ्यूडलिज्म की तरह फ्यूड सिस्टम को देख करके पूरे राजपुताना क्लैन को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और ऐसा नहीं, उन्होंने काफी ग्लोरियस एनेक्डोट भी लिखे हैं राजपूत के लिए, बट कहीं ना कहीं जो नैरेटिव है वो हमको एक गलत डायरेक्शन में भटका देता है। और उन्होंने पूरा ये एस्टैब्लिश किया है कि जो कहीं ना कहीं जो मुगल और इनके बीच में भी जो अलायंसेस चलता था, इट वॉज जस्ट लाइक अ यूरोपियन सिस्टम, कि इस राजघराने से आप वहां पे जा रहे हो, देयर वाज नो फैक्टर ऑफ रिलीजन, देयर वाज नो फैक्टर ऑफ धर्म, देयर वाज नो फैक्टर ऑफ बीइंग धर्म योद्धा योद्धा फॉर लॉन्ग, जो कि सारे प्रिंसेस अपने आप को मानती थी। तो इसमें वो बिल्कुल सच्चाई नहीं है, और अगर ऐसा होता तो जौहर की घटनाएं बिल्कुल घटती ही नहीं। जी, और एक जो बड़ी इन्होंने जो दूसरी जो पेनफुल बात कही, वो फिर से जो मंदिरों का जो डिस्ट्रक्शन है उसको फिर से जस्टिफाई करने का प्रयास किया, और फिर से एक वो जो पुराना नैरेटिव इन्होंने चला रखा है कि वो कश्मीर में वो श्रीहर्ष था, उसने कोई मंदिर जो है वो तोड़ दिए थे, जबकि हमें सब पता है कि उसके बारे में, तो उसको मीनाक्षी जैन जी ने अपनी फ्लाइट ऑफ द डेटीज में बहुत विस्तार से उसका विवेचन किया है। लेकिन ये तो उसी पर टिके हुए हैं कि साहब महमूद गजनवी ने तो जो कुछ किया वो तो सेक्युलर एक्ट था, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई इस्लामी पुट था ही नहीं। तो ये अभी भी प्रॉब्लम ये है कि आज तक वो सोच रहे हैं कि पीपल आर नॉट एक्सपोज टू द इस्लामिक थियोलॉजी, और कहीं ना कहीं मार्क्सिस्ट को मैं इसलिए, मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस जो स्कूल ऑफ थॉट है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा इकोनॉमी में उलझा गया था, जैसे जो स्कूल ऑफ थॉट थी उनकी, उनका ये था कि इकोनॉमिक बेस पे वो पूरी हिस्ट्री को पढ़ना चाहते थे कि जो भी इतिहास में हो रहा है सब कुछ इकोनॉमी की वजह से हो रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ स्टेटस क्लास एंड देन नथिंग एल्स, और कुछ है ही नहीं, और उस वजह से इनके लिए सब कुछ सेकुलराइज हो जाता है बाय डिफॉल्ट। अब जब इन्होंने और 1973 में इन्होंने एक किताब लिखी थी मौर्यंस के ऊपर और कैसे उनका फॉल हुआ, किताब का मैं नाम बोल रहा हूँ, बट उस किताब में उन्होंने बड़ा ब्रेव स्टांस एक लिया था विच वॉज वेरी अनलाइकली ऑफ रोमिला थापर, दैट सब कुछ पहले तो उन्होंने बताया कि अशोक वादना में किस तरह से बताया गया है कि पुष्पामित्र सांगा ने डिस्ट्रक्शन किया ये वो, बट फाइनली एक वो कंक्लूसिव नोट ये देती है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सपोर्ट नहीं करते हैं कि पुष्पामित्र सांगा ने ये डिस्ट्रक्शन किया हुआ, उसको पुष्पामित्र सांगा को इन्होंने छोड़ दिया। लेकिन उसके बाद उनकी कहानी चलती रही एंड शी केप्ट, और ये वो बहुत सारे एसेज हैं, जो एक बहुत पहले एक एसे छपी थी कम्युनलिज्म एंड राइटिंग इन इंडियन हिस्ट्री, वहां पे भी उन्होंने हर्षा का जिक्र किया था। तो आप उनके जब लेक्चर्स को एक एक करके रखोगे आप क्या पाओगे, एक कॉमन टेम्पलेट है जो 1980 में चला था, आज भी वही चल रहा है, कल भी वही चलेगा, शायद कल भी वो वही आकर के बोलने वाली है। सो ये जो कम्युनलिज्म एंड राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री था, यहाँ पे उन्होंने बताया था कि मोहम्मद गजनी को सेकुलराइज किया था, और फिर शी हैड आल्सो स्पोकन अबाउट कैसे हर्षा वाज अ हिंदू किंग जिसने डिस्ट्रक्शन किया, लेकिन एंड शी साइड्स राज तरंगिनी को वो साइड करना चाहती है। इससे पहले कि मैं हर्षा पे जाऊं, अगर आप राज तरंगिनी को एज अ हिस्टोरिकल अथॉरिटी मानते हो तो क्या मानने वाले हो कि भीम एग्जिस्ट करता था, या फिर क्या आप महाभारत को हिस्टोरिक मानने वाले हो, क्योंकि आप तो राज तरंगिनी को कोट करो, कल्याण के लिए तो भीम वाज अ हिस्टोरिकल फिगर। राज तरंगिनी के हिसाब से जो कश्मीर का जो क्रिएशन हुआ, इट वॉज कश्यप ऋषि के बेस को कलन, उसकी बात करते हैं, पहले वो एक लेक हुआ करता था, तो जिस तरह से कश्यप मूरा की बात आती है कि और कैसे कश्मीर का क्रिएशन हुआ, इज शी गोइंग टू एक्नॉलेज कि नहीं कश्मीर एक्चुअली कश्यप ऋषि बोल के किसी शख्स ने इस्टेब्लिश किया था, और इसका बहुत ही डीप हिंदू पास्ट था, और बेस्ट ऑफ द साइंस आर्ट्स और साइंस यहाँ से निकले थे, जहाँ आज
हो सकता है कुछ दिनों में जिस तरह से परस्यू करना चाह रहे हैं इस्लामिस्ट, वो शायद म्यूजिक वहां पे भी हराम पूरी तरह से हो जाएगा। तो जहां से म्यूजिक का शुरुआत हुआ उसको, सो इज शी गोइंग टू एक्नोलेज इट? परहैप्स नॉट। कमिंग बैक टू राज, तो आपको वो सोर्स पकड़ना ही नहीं चाहिए जिसके सोर्स से आप स्टिक करके रह नहीं सकते हो, क्योंकि अगर आप एक पार्ट को हिस्टोरिक मान रहे हो दूसरे पार्ट को नहीं मान रहे हो। सिमिलरली जब इन्होंने हर्षदेव का डिस्क्रिप्शन किया तो राज तरंगनी में क्या होता है, राज तरंगनी में बहुत ही क्लियरली, और जैसे मैंने ट्रांसलेशन पढ़ा था पंडित, ये नाम बोल रहा हूँ, मैं जस्ट मिसिंग द नेम ऑफ द ट्रांसलेशन ट्रांसलेटर, बट वो किताब को जब मैंने पढ़ा तो राज तरंगिनी में बड़े क्लियरली बताया है कि जो हर्षा है, हर्षा वो इंसान है जो कि पोर्क खाता है और वो टर्क के पेरोल पे है, और उसको टर्क टर्क हर्षा करके बुलाया जाता है, हिंदू हर्षा करके नहीं बुलाया जाता है। तो यहाँ पे कल्लन इज क्लियरली डिस्क्रिमिनेटिंग कि वो हर्ष हर्ष नहीं है, बट ही स्पेसिफाइंग ही इज अ टर्क हर्ष। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये है तुरुष्क हर्ष है, इसने डिस्ट्रक्शन किया है। सो इसका मतलब ये है जो ट्रेट है वो तुर्कों का है या टर्कियों का है या मुसलमानों का है, जिस और वो जिसके जिसको देखते हुए वो डिस्ट्रक्शन कर रहा है। और वो बुद्धिस्ट और बुद्धिस्ट टेम्पल्स की बात करती है बट वो ये भूल जाती है वो तो हिंदू टेम्पल्स को भी गिरा रहा था, ऐसा नहीं है कि हिंदू। सो और ऐसा नहीं है कि आर ही वाज डिस्ट्रॉइंग द सेक्रेट प्लेस द आइडल्स एज वेल। अब एक और यहाँ पे कोई भी ऐसा सब्सटेंस नहीं है जो हर्षा के कोई ऐसी नेचर निकल सके कि वो हिंदू बाय सिर्फ नाम हर्षा, इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हिंदू हो गया। देयर इज नो प्रूफ ऑफ इट। और राज तरंगिनी बिल्कुल एक्सक्लूसिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहा है दैट ही इज अ टर्क हर्ष। और बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट था जब सीताराम गोयल जी ने चिट्ठी लिखा था रोमिला थापर को, तो पहले तो हिस्टोरियंस को लिखा और उसके बाद जब उनकी वो किताब आई व्हाट हैपेंड टू हिंदू टेंपल्स, वो कॉपी भेजा और चिट्ठी भेजी रोमिला थापर को, वहां पे उनसे बोला कि देखिए मैं क्या कर रहा हूँ कि जब मैं आपने क्रिटिसिज्म किया मेरे, उसके बाद क्रिटिसिज्म आया था रोमिला थापर का, और उन्होंने बोला था कि यू शुड स्टार्ट बाई रीडिंग दिस पेपर और लेक्चर गिवन बाई मी, ऐसा उन्होंने सीताराम गोयल को टॉन्ट किया था। तो सीताराम गोयल ने जवाब दिया कि देखिए मैंने तो सारे टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन के लिए पहले सबसे पहले थियोलॉजिकल रेफरेंस दिया है कि क्यों वो ऐसा करते हैं, दूसरा मैंने प्राइमरी सोर्सेज से उसको सब्सटेंशिएट किया है कि ये ऐसा हो रहा है ये हो रहा है, अब आप मुझे हिंदू टेक्स्ट लेकर के आइए जहां से ये सैंक्शन होता है कि आपको प्लेसेस को गिराना है या फिर दूसरे रिलीजन के। और पहले तो सीताराम गोयल हैड अ प्रॉब्लम दैट व्हाई शी इज प्लेसिंग बुद्धिस्ट एंड द जैन इन अ डिफरेंट कैटेगरी टुगेदर, लेकिन उन्होंने बोला कि चलो आप बिकॉज ये वर्ड को डिफरेंटली यूज करो तो एक्सप्लेनेशन के लिए भी मैं ये वर्ड यूज करूंगा, लेकिन आप कोई भी एक ऐसा हिंदू टेक्स्ट दिखा दो जहां पे ये सैंक्शन किया गया है कि जाकर के आपको स्ट्रक्चर्स गिराने को थियोलॉजिकल बेस दिखा दो, दूसरा आप मुझे प्राइमरी सोर्सेज से इंस्क्रिप्शंस दिखाओ, एपिग्राफिकल एविडेंसेस दिखाओ कि कहां पे वो आ रहा है। उन्होंने उनके एक फुटनोट एपिग्राफिका इंडिका के एक छोटे से पार्ट को कोट भी किया था कि आप इसका जिक्र कर रहे हो लेकिन उसकी कहानी ये है, जो उससे ये प्रूव होता है कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो उसके बारे में आप जवाब दो। लेकिन उसके बाद से जब ये चिट्ठी इतनी कड़क में चली गई सीताराम गोयल की, तो आज तक वो चिट्ठी का जवाब तो उन्होंने दिया नहीं। मैं तो ये सोच रहा था कि वहां पे इस कॉन्फ्रेंस में कोई ये पूछता कि भैया अब सब कुछ तो हो गया, चलो मेरा ये सवाल सीताराम गोयल ने आपसे 30 साल पहले पूछा था, आप ये जवाब दे दो भैया इसके, आज तक वो ड्यू है, लेट्स क्लोज इट। आप हर लेक्चर में एक सेम नैरेटिव तो चिपकाए जा रही हो, हर्षा ने ये किया, मतलब आप उनके पुराने लेक्चर्स उठाओ आज ही उठाओ, इट्स ऑल सेम, नथिंग इज चेंजिंग। दो साइंस आगे बढ़ चुका है, डिस्कवरीज आगे बढ़ चुकी है, रोमिला थापर वही की वही है, ना वो अपने पुराने टीचर के साथ चल रही है ना आगे के डिस्कवरीज के साथ चल रही है। जी हाँ, और जो उन लोगों ने जो अयोध्या के बारे में जो कहा था वो तो हमें पता ही है कि जो अयोध्या के जजमेंट में जो आया है उससे साफ स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार की एविडेंसेस इन्होंने अयोध्या के मैटर में दी थी। बिल्कुल, और विशेषकर जब हिंदू टेम्पल्स के डिस्ट्रक्शन के बाहर आते हैं तो मुझे ध्यान नहीं कि रोमिला थापर ने इस लेक्चर में कहा कि नहीं कहा, लेकिन वो नालंदा को भी ये कह देते हैं कि साहब के नालंदा का भी जो डिस्ट्रक्शन है वो कुछ हिंदू राजाओं ने किया, ना कि बख्तियार खिलजी ने। यस, और ये तो इसका मेन सोर्स जाता है कम्प्लीटली, ज्यादा डिटेल हुआ ईटन के वर्क से, लेकिन हाँ रोमिला थापर स्कूल ऑफ थॉट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सकता है, उन्होंने नालंदा, बट
वहां जैसे उन्होंने पुष्पामित्र सांगा के ऊपर आज वो कुछ नहीं बोल सकती है, बिकॉज एविडेंसेस बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि अशोक वाधना में प्रॉब्लम ये था, अशोक ये कहता है कि चूंकि अशोक ने ब्राह्मण्स को काफी टॉर्चर किया था, इस वजह से ब्राह्मण्स अशोक के अगेंस्ट खड़े हुए। तो पहले अगर आप ब्राह्मण्स को रिस्पॉन्सिबल ठहराने वालों या फिर हिंदू किंग्स को, तो उससे पहले अशोक कटघरे में आ जाता है कि उसने भी लोगों को सताया, उसका रिवेंज लिया। लेकिन ये मैटर भी, ये पॉइंट भी बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि अगर ब्राह्मण्स को सिस्टमैटिकली अगर अशोक के या फिर मौर्यन रेन में प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, तो पुष्यमित्र सांगा वोंट हैव कम टू द अपर लेवल, वो आगे नहीं बढ़ते। एंड देयर आर मेनी सच केसेस, मेनी प्राइमरी सोर्सेज विच शो दैट ब्राह्मिन्स आर गेटिंग अ लॉट ऑफ पेट्रोनेज इन दैट पीरियड। सो पहले तो वो फेल हो जाता है। दूसरी बात, यहाँ पे जो प्राइमरी सोर्सेज है वो ये भी बताते हैं कि पुष्यमित्र सांगा ने भी काफी पेट्रोनेज दिया था, एंड ही हैड टेकन केयर ऑफ बुद्धिस्ट स्तूपस बहुत सारे। सो इस वजह से वो बोल नहीं पाई कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जो है, इसलिए वो बताती है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एज इन द इंस्क्रिप्शन डोंट सी पुष्यमित्र सांगा टू बी पर्सन हु कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ सो मेनी स्तूपस। और नंबर ही बहुत हाइपरबॉलिक है। अब नालंदा का केस यहाँ पे आता है, पुष्यमित्र शुंग ने स्वयं स्तूप बनवाए हैं, उसके तो प्रमाण आ गए हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वी हैव ऑल द एविडेंस राइट इन देयर फेस। और जब नालंदा की बात करते हैं, तो नालंदा का जैसे हम लोगों ने आंध्र तस्कर के समय भी डिस्कस किया था, सो इनका केस प्राइमरीली यहां से आता है कि बिकॉज नालंदा का डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया। नालंदा का जो डिस्क्रिप्शन है वो डायरेक्ट नालंदा शब्द का डिस्क्रिप्शन नहीं आ रहा है, जो भी जो मिलास की किताब है जिसको हम प्राइमरी सोर्स मान करके चलते हैं, जो 40 साल बाद लिखी गई, बट दैट इज द मोस्ट क्लोजेस्ट ऑफ द नैरेटिव ऑफ ऑल। तो बिकॉज लेकिन जो रूट मैप जिस तरह से उस बताया है कि जिस तरह पहले वो वहां पे जाते हैं, फिर विक्रमशिला, फिर उडनपुरी, सो दिस होल आज भी मैप उसको ट्रेस करोगे तो रूट उसी तरह से नजर आएगा। तो जिस मॉनेस्ट्री को उसने डिस्ट्रॉय किया उसका नाम नहीं दे रहा है, बट पूरी तरह से वो नालंदा ही दिखता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब उसके बाद देयर इज अ लॉट स्टोरी दैट नालंदा वाज एक्चुअली डिस्ट्रक्टेड बाय द हिंदू किंग्स द पास्ट, एंड इट इज कमिंग फ्रॉम, और ये जो नैरेटिव है उसके लिए कहीं ना कहीं एक टिबेटियन टेक्स्ट है जिसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है। लेकिन जो टिबेटियन टेक्स्ट है उसकी कहानी ऐसी है, इतनी फनी है, दैट एक ब्राह्मण ने सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाया था, कुछ छोटी सी चिंगारी की तरह की चीज थी, जिससे पूरा नालंदा जल गया, और शाप वगैरह की घटना है इस तरह की चीज। तो अब और इसको बहुत अच्छे से अरुण शौरी ने बहुत ही अच्छे से रिबट किया था, बहुत पहले जब डीएन झा ने एक बहुत बड़ा पीस लिखा था उसको रिबट किया था अरुण शौरी ने, और अपनी किताब जो एमिनेंट हिस्टोरियंस है उसमें पब्लिश किया है उस पूरे घटनाक्रम को, बहुत ही अच्छे से विस्तार में पूरा बताया है। तो अब वो बता रहे कि भैया आप मार्क्सिस्ट हो, मार्क्सिस्ट साइंटिफिक टेम्परामेंट के होते हैं, और कहा आप चमत्कार वगैरह की कहानियों में बिलीव कर रहे हो कि चमत्कार हुआ और उस शक्ति से एक दिए से पूरा नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी जल गया। सो ये कहानी भी काफी बेसलेस है। अगर उनसे कोई काउंटर क्वेश्चन करना शुरू करे तो पता नहीं वो भी ऑनरे ट्रस्के की तरह स्टेज पे चढ़ के फिर ये ना बोले कि आई एम द ट्रेन हिस्टोरियन एंड यू आर नॉट। बट इस तरह के जब काउंटर सवाल होंगे कि आखिर वो चमत्कार से कैसे नालंदा यूनिवर्सिटी जल गई, चमत्कार तो हो नहीं सकता है जैसा आप बता रहे हो, छोटे से दिए से, या फिर आप जिन राजाओं को रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हो उसके तो कोई प्राइमरी सोर्सेज है नहीं, वी डोंट हैव अ सिंगल एविडेंस। जैसे दो केसेस का मेंशन करते हैं ये लोग, बट उनमें से किसी का भी प्राइमरी सोर्सेज नहीं है एक्सेप्ट फॉर द तिब्बतियन सोर्स, और तिब्बतियन सोर्स वॉज ऑल्सो रिटन क्वाइट लेट देन व्हेन दिस हैपेंड। और उसके बाद एक बुद्धिस्ट मॉन्क हु हैड हिमसेल्फ हैड कम फ्रॉम तिब्बत इन नालंदा के आसपास के रीजन में, उसने बताया कि कैसे तुर्कों का आतंक अभी भी है वहां पे, और वो नालंदा का मेंशन करता है कि नालंदा भी डिस्ट्रॉय हुआ था, ही टॉक्स अबाउट दैट नालंदा वाज डिस्ट्रॉयड। सो बट उसके बाद के जो टिबेटियन टेक्स्ट है उसके नैरेटिव को लेकर के आप कहानी गढ़ने की कोशिश करते हो तो दिस इज नॉट डन। एक और बड़ी रोचक बात आती है, जो रोमिला थापर का जो स्कूल है, इन्होंने सबने जो है वो औरंगजेब को सेकुलराइज करने का प्रयास किया है, और आद्रे तुच के रिचर्ड एटियन वगैरह ने, और जिसमें कहा है कि साहब की जो काशी का जो मंदिर था वो तो इसलिए गिराया गया था क्योंकि कुछ कोई कच्छ की रानी थी उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया था, और औरंगजेब कहीं गया हुआ था घूमने काशी। जबकि मैंने तो, आप तो इस समय शोध कर रहे हैं औरंगजेब के ऊपर, पूरे मुगलों के ऊपर,
मुझे आप बताइए कि औरंगजेब काशी कब गया, मुझे तो कोई ऐसा रेफरेंस मासीरे आलमगीरी या जो उनके जो क्रॉनिकल्स हैं, कोर्ट क्रॉनिकल्स हैं, उसमें तो मिला नहीं। नहीं, देयर इज नो मेंशन इन एनी प्राइमरी सोर्सेज, एंड द पॉइंट इज वेरी क्लियर, मैटर बिल्कुल क्लियर है, ट्रांसपेरेंट है, एंड उसने साफ जारी किया था अपना कि यहाँ पे डिस्ट्रॉय, एंड ही हैड स्पेसिफाइड सर्टेन टेंपल्स कि इसको गिरना चाहिए, और उसकी जो उसका दुख है उस समय से समझा जा सकता है औरंगजेब का, जब उसने दारा शिकोह के ऊपर चार्जेस लगाए, जब उसने सिर्फ एक रेलिंग सिर्फ उसने लगवाना चाहा था मंदिर में मथुरा में, तो उसके लिए दारा शिकोह के खिलाफ वो एक्शन लेने को तैयार था, और उसके फरमान में साफ लिखा हुआ है कि स्पेसिफाइड मंदिरों को उसने स्पेसिफाई किया है कि ये तोड़ना है। अब मासीरे आलमगीरी में इट्स वो काफी क्लियरली बताता है कि काशी के मंदिर के डिस्ट्रक्शन के बारे में। अब जब वो प्राइमरी सोर्स आपके चेहरे में आकर ये कह रहा है, और उसके बाद फिर ये बहुत तरह की, इनफैक्ट दो तीन लेवल ऑफ नैरेटिव्स हैं इसके बारे में, और ये जो नैरेटिव, और ये नैरेटिव को पॉपुलराइज करने के लिए एक 1992 या 93 के आसपास एक शोधकर्ता शी वॉज इन काशी, और वहाँ के लोगों से उन्होंने ओपिनियन कलेक्ट करना शुरू किया था, तो वहाँ पे के ओपिनियन में भी ये ओपिनियन आया था। पहला एक ओपिनियन था कि ये स्ट्रक्चर का जो क्रिएशन हुआ ये दीने इलाही का स्ट्रक्चर है। ओके, सो दीने इलाही का स्ट्रक्चर इसलिए, और इसमें मंदिर का अवशेष इसलिए पाया जाता है क्योंकि दीने इलाही सारे रिलीजन को साथ में लेकर के चलता था, और इसलिए उसको तोड़ के ऊपर से बनाया गया। और औरंगजेब काफी खफा थे अकबर के इस, एंड मैम अभी मेरे पास वो रिसर्च पेपर मेरे सामने नहीं है, आपको मैं दे दूंगा, आप बाद में नीचे लिंक में पोस्ट कर सकते हो पेपर अगर लोग पढ़ना चाहें। तो वहां पे ये ओपिनियन था कि इसलिए औरंगजेब ने उस स्ट्रक्चर को गिराया, बिकॉज ही वॉज वेरी अपसेट बाई वॉट अकबर डिड, उसको सिंक्रेटाइजेशन ऑफ रिलीजन पसंद नहीं था, वो इस्लाम ऑफ कोर्स ही वाज फैनेटिक, लेकिन स्ट्रक्चर तो भैया ये मंदिर नहीं था, ये अकबर का दीने इलाही का जगह था। सो एक क्लेम ऐसा भी है, सो देयर इज इस तरह के क्लेम्स काउंटर, एंड दे आर वेरियस डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरीज, और उस और ये जो लोकल नैरेटिव्स हैं, और कहीं ना कहीं ये लोकल नैरेटिव्स भी इन हिस्टोरियंस को एज अ फॉडर की तरह काम करते हैं। जैसे अभी जब मैं बाबर पे काम कर रहा हूँ, तो बाबर पे मैं बहुत सारे लोकल नैरेटिव्स को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अबाउट राणा सांगा, क्योंकि वो मैटर अभी भी मेरे लिए कंप्लीटली क्लोज नहीं है वो चैप्टर, क्योंकि आज भी मैं वो चिट्ठी के तलाश में हूँ कि राणा सांगा ने क्या चिट्ठी एग्जैक्टली लिखा था बाबर को, क्योंकि अभी तक वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है। राजपूत क्रॉनिकलर कुछ प्रो राणा सांगा है, कुछ एंटी राणा सांगा भी है, लेकिन अब जैसे मैं लोकल ट्रेडिशंस को कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ वहां से समझने की कि आखिर राणा सांगा के लिए क्या ओपिनियन होगा, क्योंकि हिस्टोरियोग्राफी में एक और पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि कई बार आपको फोकलोर्स यानी कि जो लोकल ट्रेडिशन है वहां से लेकर के आपको आगे बढ़ना पड़ता है, जो सबसे मेजोरिटी में थॉट है शायद वही सही होगी, क्योंकि वी कांट गो बैक इन द टाइम एंड कम टू अ कंक्लूजन, बट दैट वुड बी द मोस्ट वाइज वे टू कंक्लूड ऑन अ हिस्टोरिकल एक्शन। लेकिन अब इन्होंने क्या किया, ये जो माइनॉरिटी ओपिनियन है, हेयर माइनॉरिटी का मतलब ये लोग ने समझे कि मैं रिलीजन के बारे में बोल रहा हूँ, बट जो माइनॉरिटी ऑफ द ओपिनियन है, जो भी अगर उनको 5 ओपिनियन में मिल गए 200 में से, जो एंटी हिंदू है दे विल चूज दोस 5 ओपिनियंस इसको दिखाने के लिए। जैसे प्रोफेसर लाल ने एक बहुत अच्छे से इरफान हबीब को बोला था, और इरफान हबीब या जैक्सन को रिप्लाई दिया था, जैक्सन वाज़ अ हिस्टोरियन जो उनके पीछे पड़ गया था उनकी, ये जब उन्होंने 80,000 का एस्टिमेट दिया था कि इस पीरियड में इतने लोग 80 मिलियन लोग गए हैं भारत से, या फिर मौत हो गई या स्लेव बना के ले जाया गया, तो उन्होंने बोला कि भाई तुम मुझे बोल रहे हो सिलेक्टिव कोटिंग के लिए, लेकिन मैंने तो प्राइमरी सोर्सेज कोट किया है, तुम्हारे सेलेक्टिव कोटिंग क्या होता है, जब व्हेन यू जब 100 मंदिर गिरते हैं उसको उस समय उस मुस्लिम गुरु को सेक्युलराइज दिखाने के लिए तुम एक एग्जांपल दोगे, जब उसने कुछ फंड दिए एक मंदिर बनाने के लिए, उस समय तो तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है और तुम वो उस तरह से बिल्कुल उसको ज्यादा पॉपुलराइज करते हो, इसको नहीं पॉपुलराइज करते हो, तो फिर हम क्यों नहीं अपने नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़े, जब क्योंकि भारत को तो हम उसके जो सिविलाइजेशनल वैल्यू से उसके बेस पे आगे खड़ा करेंगे, और वी एज अ हिस्टोरियोग्राफर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम उसको उसके जो कोर वैल्यूज है वहां पे लेकर के जाए, ना कि ऐसे ऊंचे छुटपुट वैल्यूज को उठा करके एक अजीब सा एक मॉडल बनाने की कोशिश करें। तो उन्होंने कंप्लीटली
उनको एक्सपोज कर दिया था कि तुम, और इनफैक्ट सीताराम गोयल ने भी लिखा कि जैसे आप बोलते हो कि एक मुसलमान ने एक मंदिर के लिए पैसे दे दिए, तो ऐसे तो बहुत सारे बुद्धिस्ट और जैन स्ट्रक्चर्स के तो इतने हिंदुओं ने दिया, इनफैक्ट मास में है। आप एक एग्जांपल लेके आते हो, हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ एग्जांपल है, देन हाउ कैन यू बिल्ड दिस केस ऑफ हिंदू पर्सीक्यूटिंग द बुद्धिस्ट। सो यहाँ पे तो केस बिल्कुल उल्टा है, बट आपकी तो नीति बिल्कुल दूसरी डायरेक्शन में बहती है। एक और ये जो पूरा का पूरा ये जो कच्छ की रानियों वाला और ये जो नैरेटिव बनाया गया है, इसका एक किस्सा बताते हैं कि गजानन मेहंदेले साहब जो हैं, आप जानते होंगे हिस्टोरियन है मराठी के बहुत प्रसिद्ध, तो गजानन मेहंदेले साहब को एनजी गोरे साहब ने बताया, गजानन मेहंदेले जी ने अपने संस्करणों में बताया कि एनजी गोरे जो थे वो समकालीन थे पट्टाभी सीतारामैया के, और पट्टाभी सीतारामैया आप जानते हैं गांधी जी के कितने बड़े चमचे थे। तो ये जो पूरी की पूरी स्टोरी थी, सबसे पहले पट्टाभी सीतारामैया ने फ्लोट की, और पट्टाभी सीतारामैया ने क्यों फ्लोट की, क्योंकि उनको गांधी जी ने कहा था कि भाई ये थोड़ा सा इसको ठीक करो, तो उन्होंने उसको ठीक करने के लिए स्टोरी फ्लोट की, और जब लोगों ने उनको चैलेंज किया तो उन्होंने कहा कि हाँ मुझको जो है वो किसी मौलाना ने बताई थी बनारस में, और मैं उसके रेफरेंसेस के साथ आऊँगा, और उन्होंने कभी ज़िंदगी में दोबारा रेफरेंस दिया नहीं। एनजी गोरे साहब को उन्होंने एक बार बता दिया कि भाई ये तो मैंने जो है ये सिख्स को सेकुलराइज करने के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ाने के लिए किया था। ये बात एनजी गोरे साहब ने गजानन मेहंदेले साहब को बताई। तो अब ठीक है, ये बात भी चूँकि थर्ड फोर्थ रेफरेंस है, लेकिन यह बात है। और पट्टाभी सीतारामैया ने सबसे पहले ये चलाया था, जिसको बाद में रिचर्ड ईटन और अद्रे त्रुष के टाइप के लोगों ने उसको आगे बढ़ा के और उसके ऊपर एक नैरेटिव गढ़ा, जो कि आप स्वयं कह रहे हैं और सब जानते हैं कि मासिर आलमगीरी और औरंगजेब के जो अखबार हैं उससे पूरी तरह से वो काउंटर हो रहा है। जी बिल्कुल, और तो और क्या विशेष बात कही, यदि और कुछ आप बताना चाहें रोमिला थापर का, और कोई काउंटर करना चाहे अंत में रोमिला थापर? यस बिल्कुल, और उनका जो कंप्लीट एक अटैक बना हुआ था कंप्लीटली, दैट अभी जो हिस्टोरिकल नैरेटिव है इट इज अ बैटल बिटवीन द प्रोफेशनल हिस्टोरियंस एंड जो एक अलग ढंग से नैरेटिव को सेट करना चाह रहे हैं, जो फिक्शन स्टोरीज लिख रहे हैं। तो आई न्यू वेयर शी इज कमिंग फ्रॉम एंड वेयर शी इज वांट टू टारगेट। तो क्या जदुनाथ सरकार और आरसी मजुमदार प्रोफेशनल हिस्टोरियन नहीं थे? बिल्कुल, और अब खैर जदुनाथ सरकार और आरसी मजुमदार तो उनसे पहले हो गए, लेकिन अब उनके इस पीरियड के हिस्टोरियन सीताराम गोयल, हम उनका एग्जांपल मैं इसलिए बार बार लेता हूँ कि उनके सवालों का एक एकेडमिक डिस्कोर्स भी नहीं हो सका, उनको जस्ट एक पब्लिशर और एक राइटर बनाकर रख दिया इन लोगों ने, जबकि ही वॉज अ ट्रेंड हिस्टोरियन ऑफ द सेम पीरियड के थे वो, और उनकी स्कॉलरशिप वॉज वे वे, मतलब वो तो मानेंगे नहीं ये चीज, बट उनकी स्कॉलरशिप वॉज वे अहेड देन दिस पीपल, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्सेज की ही बात करते थे। आज भी अगर हम रोमिला थापर की किताब को निकाल करके देखेंगे, आई एम नॉट किडिंग, लोग किताब उठा करके देखेंगे, उनके सोर्सेज को इंस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, कई जगह पर ये पाएंगे कि जो सोर्स मैंशन किया गया है उस सोर्स हैज नो कंटेक्स्ट, नो रेलेवेंस, जस्ट सोर्स डाला गया है बस ये करने के लिए, एंड इट्स ऑल द हियर्स है। जैसे हमने बताया, आपने बताया ना कि एक नैरेटिव कैसे बिल्टअप होता है, तो वो नैरेटिव कहीं से आ गया, तो आपको जैसे मैंने बता दिया कि ये एक्स वाई जेड इज द सोर्स ऑफ दिस इंसिडेंस, तो आपने अपनी पुस्तक लिखी और आपने भी वो एक्स वाई जेड डाल दिया, बस आपने अपना शोध नहीं किया, आपने जानने का ये कोशिश नहीं किया कि एक्स वाई जेड में उस बात का जिक्र है कि नहीं है। और ठीक उसी तरह से, और ये जो प्रोफेशनल हिस्टोरियंस और जो फिक्शन राइटर्स व्हाट शी कॉल्स का जो हमेशा वो ये लेकर के आ रही है, प्रोफेशनल हिस्टोरियंस का मतलब वही है जो उस मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट से अग्री कर रहा है, नहीं तो देयर इज नो वन एल्स हु कैन बी इज प्रोफेशनल हिस्टोरियंस, क्योंकि अगर आपके पास डिग्री भी है सो इट्स इररिलेवेंट बिकॉज यू आर अ हिंदू नेशनलिस्ट इन देयर ओपिनियन। जी, तो अब इस चर्चा को हम इसी बिंदु पर समाप्त करेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें, इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में हमारे चैनल को आप सपोर्ट भी करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आबास जी, जय हिंद, धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।
वंदे मातरम।